नमस्कार दोस्तों, सीक्वल सिखा चैनल पे एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं तुलसी महतो और आज जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो है फ्री हैंड टूल। ओके, तो यहाँ पे देखिए फ्री हैंड टूल आपके पास मौजूद है जिसका शॉर्टकट है F5। आप अपने कीबोर्ड से F5 भी प्रेस कर सकते हैं जिससे आपकी ये जो टूल है ये सिलेक्ट हो जाएगी। ओके, तो इसका जो बेसिकली काम है वो ये है कि इसके नाम से ही आप पता कर सकते हैं कि ये फ्री काम करने वाली फ्री हैंड। ओके, जैसे पेंसिल पेन जो वर्क करती है जो काम करती है उसी तरह से इसका भी आप फ्री हैंड, ये देखिए फ्री हाथ, इस तरह से आप काम कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आज के वीडियो पे आने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर अभी तक से आपने मेरा जो चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने का फायदा यही है कि जब कभी मैं यूट्यूब पे नई वीडियो अपलोड करूंगा ना तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, जैसे व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन आती है ना उसी तरह आपको YouTube की नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप उस वीडियो को अपने मुताबिक अपने हिसाब से देख सकते हैं। ओके, तो चलिए आज के वीडियो पे देखिए। सबसे पहले इसे हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, फ्री हैंड टूल जो है सिलेक्ट कर लेते हैं। इसका जो काम है ना, ये देखिए सबसे पहले नाम से ही आप जान सकते हैं कि ये फ्री है, आप अपने हाथों को फ्री कर लीजिए। ओके, चलिए इसे मैं इस तरह से कुछ भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, पेन की तरह, पेन पेंसिल से हम लोग इस तरह इस्तेमाल करते हैं ना, तो उस तरह से जो भी आप चाहें इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, अब देखिए मैं इसे यहाँ से इस तरह से लेके जाता हूँ, यहाँ पे जैसे जाऊँगा ना, यहाँ पे जैसे मिलाना चाहूँगा तो वहाँ पे कर्सर देखिए किस तरह से चेंजिंग आ सकती है। वहाँ पे देखिए और एक सिंबल आ गया है, जैसे हम लोग छोड़ देते हैं तो ये दोनों मिल जाती है। इसका मतलब ये है कि ये एक शेप में कन्वर्ट हो गई है, मतलब ये जो हमने बनाया ना इस पर अब हम कलर डाल सकते हैं। ये देखिए मैं यहाँ से रेड कलर डाल दिया। ओके, तो इस पे जो है इस तरह से हम लोग वर्क कर सकते हैं। ओके, दूसरा क्या है, एक बार हमने क्लिक किया और यहाँ पे कंट्रोल के साथ में आ रहा हूँ सीधी लाइन लाने के लिए, ठीक है। अब मैंने छोड़ दिया तो ये लाइन यहीं पे रिलीज हो जाती है, यहीं पे छोड़ देती है, ठीक है। फिर से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ कंट्रोल के साथ, यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो अभी ये छोड़ी नहीं है। ये देखिए अभी से जो है रिलीज नहीं किया हुआ है। फिर आप चाहें तो जिधर जाना चाहें ऊपर तरफ या जिधर जाना चाहें जा सकते हैं। फिर वहां पे मैं डबल क्लिक कर रहा हूं, अब देखिए अभी भी मैंने छोड़ा नहीं है। और फिर मैं यहां पे आके इसे मिला देता हूं, अब इस शेप में हम लोग कलर डाल सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आप जो है बना सकते हैं। उसके बाद यहां पे शेप टूल है, आप शेप टूल से भी इसे इस तरह से यूज में ला सकते हैं। ओके, ये देखिए इस तरह से जो आप इसका वर्क यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये था बेसिकली फ्री हैंड टूल का काम, और हम लोग आगे आने वाले वीडियो में सीखेंगे इसे और किस तरह से काम कर सकते हैं। अभी तो मैं आप लोगों को एक एक टूल के बारे में बता रहा हूँ कि इसे जो है किस तरह से आप यूज कर सकते हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को देखना है और प्रैक्टिस भी करना है आपको, तभी जाके आप जो है इस पर वर्क कर पाइए। सीखिए जो इसका जो वर्क है, मैंने जो एक ही शेप इस वीडियो को ज़्यादा ना बड़ा बनाते हुए मैंने एक ही शेप बनाया, आप चाहें तो इस पर और भी कुछ बनाइए, जैसे कि मान के चलिए कुछ ट्री बना रहे हैं इस तरह से कुछ भी बनाइए आप, या फिर आप इस पर जो है कोई चीज़ लिख सकते हैं, जैसे कि मान के चलिए कि मैं लिख रहा हूँ, तो आप इस तरह से जो भी इसे लिख सकते हैं। अब मान के चलिए कि ये जो और ये जो है इस पर काफ़ी ज़्यादा, तो आप यहाँ पे ये जो सेप टूल है इसे भी ले सकते हैं और यहाँ से इसे थोड़ा सा छोटा कर दीजिए अपने हिसाब से, इसे और भी मॉडिफाई या चेंजिंग इस तरह से और जैसा लगना चाहिए डी मत बना दीजिएगा। ओके, तो इस तरह से आप इसके जो है बना सकते हैं। सारे को सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे राइट क्लिक कर दीजिए, एक सेकेंड, तो ये लाइनिंग जो थी आउट की, वो आउटलाइन जो थी वो उसकी कलर चेंज यहाँ से हो जाएगी, राइट क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ से साइज इंक्रीज करना है तो आप यहाँ से इंक्रीज भी कर सकते हैं। इस तरह से आप जो है कोई चीज लिख भी सकते हैं। ओके, आई होप कि मेरा ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो, और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर मेरे वीडियो आप लोग को अच्छे लगते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर। थैंक यू, हैव फन, बाय बाय।